माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों ढेर सारा राज प्यार, सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। सर्दियों ने दस्तक दे दी है और सर्दियों में खासकर बच्चों के भोजन में एक निश्चित परिवर्तन जरूर करना चाहिए। देखिए वैसे भी याद रखिएगा, चाहे बच्चे हो या बड़े, जिन भी लोगों का सूर्य कमजोर होता है उन पर सर्दी का असर अधिक होता है। और वैसे भी अब वो पुराने दौर की, गुजरे जमाने की हड्डियां तो रही नहीं कि क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या बरसात। अब इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो रही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर होती चली जा रही है बच्चों की, और इसलिए उन्हें सर्दी जल्द पकड़ती है। और वैसे ये आपको मैं बता दूं, जिन बच्चों को सर्दी पकड़ने की आदत होती है उन बच्चों के लिए आगे जाकर बहुत परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि सर्दी हड्डियों में बैठ जाती है, लंग्स को बहुत बुरी तरह प्रभावित करती है, हृदय को बहुत बुरी तरह प्रभावित करती है। इसीलिए सर्दियों में जहां एक ओर अपने स्थान के मौसम के अनुसार आप वस्त्र पहने, अपने को ढककर रखें, वहीं दूसरी ओर खासतौर से बच्चों सुन लो, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ये बिल्कुल बेस्वाद हैं, लेकिन आपको इनका प्रयोग करना होगा, क्योंकि अभी खांसी नज़ला जुकाम पता नहीं चलता है, निकल जाता है, लेकिन धीरे धीरे जब 35+ में जाते हैं तो ये दिल दिमाग लंग्स हड्डियों पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है, बहुत बुरा मतलब बहुत बुरा, और फिर आसानी से ठीक नहीं होता। इसलिए बच्चों प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आपको अभी मम्मी पापा कुछ बताएंगे जो मैं उन्हें लिखा रहा हूं, उसे अच्छे से आप फॉलो करना। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज से शुरू करते हैं, सर्दियों में ताकत के लिए गेहूं बहुत महत्वपूर्ण है। रात में गेहूं 2 चम्मच एक बच्चे के लिए, खूब अच्छे से उसको धो दीजिए, खूब अच्छे से उसको साफ कर लीजिए, गुनगुने जल में साफ कर लीजिए, और उसके बाद 1 गिलास पानी में वह 2 चम्मच गेहूं हल्की आंच पर 2 से 3 मिनट तक गर्म कर लीजिए, फिर ढक के रख दीजिए और सुबह सुबह बच्चे को वह दे दीजिए। यदि सुबह वो नहीं ले पाता है तो जब वो स्कूल से लौट कर आए तब दे दीजिए। ये 5 वर्ष से ज्यादा बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, छोटे बच्चों के लिए आप डॉक्टर साहब से बात कीजिएगा। इससे क्या होता है, बच्चों के पेट में यदि गेहूं का पानी जाता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी बढ़ती है, शरीर मजबूत होता है, बहुत सारी बीमारियां खासतौर से ठंड और उसमें भी खासतौर से नज़ला सर्दी जुकाम निमोनिया वगैरह ये असर नहीं करता। आपको पता है गेहूं का ये पानी शरीर को इतना मजबूत कर देता है कि छोटे मोटे इन्फेक्शंस तो अलग बात है, कैंसर तक से व्यक्ति लड़ सकता है। जी हाँ, इसीलिए यह एक कार्य आप जरूर करें। दूसरी चीज नोट कीजिए, मेथी। मेथी की रोटी कभी कभी बना दीजिए, लेकिन बच्चों हमेशा याद रखना घी चुपड़ी रोटी नहीं खाते हैं, ठीक है? कभी बहुत मजबूरी हो गई, भारत में प्यार घी से निकलता है, हाँ रोटी पर निकल जाता है पूरी तरह। भोजन हमारे यहाँ प्यार का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है, लेकिन समय अनुसार चीज़ों में परिवर्तन होने चाहिए। घी चुपड़ी रोटी वह बहुत लाभप्रद नहीं होती है, इसीलिए उसे अवॉइड करें। लेकिन एक खास चीज़ ज़रूर है, थोड़ी सी मेथी आपने पीसी आटे में मिला दीजिए और उसकी रोटी बच्चे को खिलाइए, वो बहुत बुरी नहीं लगती है। उसके साथ आप चटनी, धनिए की चटनी का प्रयोग कर सकते हैं, आप अचार का प्रयोग कर सकते हैं अगर गला ख़राब नहीं होता हो तो। वैसे अचार एक औषधि है, कभी इसके बारे में बड़ी डिटेल से बताऊंगा आपको। तो आपके शरीर में ताकत आएगी और आप ठंड से लड़ने लगोगे। और देखो बच्चों, अगर जुकाम हर वक्त आपको रहता है तो खेलना फिरना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, सांस फूल जाएगी, गा नहीं सकते, नाच नहीं सकते, खेल नहीं सकते, बात करोगे तो सांस फूलने लगेगी, और बहुत सर्दी जब पकड़ती है तो कभी कभी निमोनिया हो जाता है, उससे पता है कितनी नुकसान होती है, कितनी समस्याएं होती है। तो गेहूं के बाद मेथी आती है, और मेथी के बाद तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है हल्दी। आप दूध पी रहे हैं ना,
तो दूध थोड़ा सा अलग निकाल के उसमें दो चुटकी हल्दी घोल के पी लिया कीजिए। यह आपके शरीर पर होने वाले वायरल इफेक्ट को बहुत हद तक रोक देती है, इसलिए ये हल्दी आपके लिए बहुत लाभप्रद है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जिन भी लोगों का बृहस्पति यदि प्रथम भाव में है या दूसरे भाव में है, तो उन लोगों को सर्दी की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है और इसकी वजह से शरीर अंदर से फप्पस या कमज़ोर होता, खोखला होता चला जाता है। ऐसे लोगों को हल्दी देने से जहाँ एक और भाग्य में इजाफा होता है, वहाँ उनका स्वास्थ्य भी बेहतर होना शुरू हो जाता है। जी हाँ, अगली बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है गुड़। सर्दी में गुड़ खाना ही खाना है। हाँ, जिन लोगों को डॉक्टर साहब ने मना किया है उनकी बात अलग है, अन्यथा आप गुड़ खाइए। और एक चीज़ और बच्चों, यदि आपको सर्दी में खेलने जाना है, कोई प्रैक्टिस करनी है, फिजिकल एक्सरसाइजेस करनी है, ठीक है, तो उसमें ज़रा सी अजवाइन का पाउडर भुरक दिया करो, या मम्मी लोग एक काम करें, तवे पर थोड़ा सा गुड़ आपने पिघला लिया, उसमें ज़रा सा अजवाइन पाउडर आपने भुरक दिया थोड़ा सा, ठीक, और उसमें सफ़ेद अथवा काले तिल भुरक दिए, और इन सबको एक जगह करके और उसके बाद तवे से उतार लिया, अब ये एक लड्डू टाइप बन जाएगा गुड़ का, ठीक। और एक चीज़ और नोट कीजिए, देखो मम्मी लोग, अगर आपके बच्चे की ऐसे ऐसे सांस में आवाज़ खर खर की कोई आवाज़ आती है, ठीक, या वह है चंद्रमा से प्रभावित बच्चा है जो मैंने आपको बहुत सारे लक्षण बताए, या बृहस्पति से प्रभावित बच्चा है जो मैंने आपको लक्षण बताए, या उसका सूर्य कमज़ोर है जिसके लक्षण भी मैं बता चुका हूँ कुछ दिन पहले, तो क्या करना है, गुड़ पिघला लिया, थोड़े से उसमें सफ़ेद अथवा काले तिल डाल दिए, ज़रा सा अजवाइन पाउडर उसमें भुरक दिया, और उसके साथ साथ थोड़ा सौंठ पाउडर, सूखी अदरक जिसे सौंठ कहते हैं, उसका पाउडर भुरक दीजिए, और उसके छोटे 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 बड़े बड़े लड्डू बना दीजिए, ठीक। अब ये दो लड्डू रोजाना बच्चों को खिला दीजिए और फिर देखिए उसका शरीर एक नहीं न जाने कितनी सर्दियों से लड़ने के लायक बन जाएगा। गले की समस्या कम होगी, उसकी चेस्ट, उसके रिब्स, उसका ब्लड सर्कुलेशन, ये सब बेहतर होगा। इसका सेवन बड़े भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत फायदा होगा। बस जो गर्भवती महिलाएं हैं वह जब तक गर्भ रहे उसका सेवन ना करें, उसके बाद करें, संतान आने के उपरांत करें, तो ये उनको बहुत फायदा देगा। साथ ही साथ ठंड में बहुत सारे लोगों को गैस बनती है, बड़ा ज़बरदस्त गैस बनती है, वह अभी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो ये ऐसा ज़बरदस्त उपाय है कि आपके शरीर को गर्म रखेगा, और विशेष रूप से वो लोग इसका सेवन करें जिन्हें बाहर जाना आना रहता है, सर्दियों में ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ती है, तो उन लोगों को आसानी से नज़ला, खांसी, जुकाम, बुखार, ये सब नहीं होगा। इस बार तो हो भी जाए, अगर आपने इसे कंटिन्यू रखा तो अगली बार और कम, फिर बिल्कुल बंद। जी हाँ, तो इसका सेवन बच्चों आप ज़रूर करिएगा। एक और चीज़ नोट कीजिए, वह है तेज पत्ता। वो लोग जिनको सर्दी लगती ही बहुत है, वह तेज पत्ते का इस्तेमाल करें। इस बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रजाई से निकल ही नहीं पाते, उन्हें इतनी सर्दी सताती है, कुछ कमज़ोरी की वजह से होता है ये, तो वह लोग जैसे चावल है तेज पत्ता उसमें डाल दें, ठीक, दही और बाकी ठंडी चीज़ों का सेवन ना करें तो अच्छा ही है, और नहीं तो तेज पत्ते के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे एक गिलास पानी में तब तक उबालें जब तक वह पानी लगभग एक चौथाई कप ना रह जाए, और उसके बाद उसे सुबह या रात में पी लें। देखिएगा शरीर को ये गर्म रखना शुरू होगा। लेकिन जिन लोगों को पित्त बहुत बनता है वह इसका सेवन नहीं करें तो अच्छा रहेगा। एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, वो चीज़ है दाल चीनी। दाल अलग और चीनी अलग, ना दाल चीनी मसाला जो होता है, दाल चीनी का पाउडर लीजिए कितना, दो चुटकी, और शहद लीजिए कितना, एक चम्मच, यदि शहद मना है तो एक अलग बात है, और दाल चीनी का वह दो चुटकी पाउडर शहद में आप घोल कर और बच्चों को पिलाइए, देखिए उसके बाद ठंड और ख़ास तौर से सर में दर्द और सर्दी की वजह से एक अजीब सा आलस्य आता है वह इससे दूर होने लगेगा। आपको मालूम है हर मौसम के मूड अलग अलग होते हैं, और सर्दियों में मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, ख़ास तौर से जब कोहरा बहुत घना है या कई दिनों तक जब सूर्य नहीं दिखता, तो
अजीब सा मूड होने लगता है हमारा, डिप्रेशन सा महसूस करने लगते हैं हम, अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपके मूड स्विंग्स नहीं होंगे। कितनी गजब की चीज है। देखिए, जब मौसम बदलता है तो उस वक्त सबसे ज्यादा रोग पकड़ते हैं, और अब तो प्रदूषण की वजह से आपको पता ही है, अभी हमने बात की ही थी। अभी ऐसा करते हैं, मैं आपको मेष राशि से कन्या राशि तक की स्थिति बता देता हूं, फिर मैं आपको सर्दी के कुछ और विशिष्ट भोजनों के बारे में बताऊंगा। प्लीज जरूर सुन लेना, क्योंकि आपको अपने बच्चे के लिए ये करना होगा। बच्चों, मैं बहुत टेस्टी चीज भी बताने जा रहा हूँ। अभी तक आप सोच रहे होंगे क्या गुरुजी दवाई दवाई बताए चले जा रहे हैं सर्दियों की। नहीं नहीं, बहुत टेस्टी चीज़ें मैंने बताई हैं, उससे भी ज़्यादा और टेस्टी चीज़ आपको बताऊंगा। बस जरा मेष राशि का हाल जानिए। मेष राशि, क्रोध से थोड़ा सा बच के रहने की आवश्यकता है। इस दिन शत्रु हावी हो सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, सावधान रहें। एक छोटा सा उपाय कर दीजिएगा, इस दिन चावल का दान जरूर कर दीजिएगा। वृषभ राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है। हाँ, पेट और कमर की थोड़ी सी परेशानी आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन कुल मिला के वक्त आपके लिए अच्छा है। दूध का दान अवश्य कर दें। मिथुन राशि, माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, और वाहन थोड़ा ध्यान से चलाइए। बाकी हर मामले में यह दिन आपको तरक्की देने वाला है। आप बस एक छोटा सा काम जरूर कर दीजिएगा, आज कुछ नींबू अथवा संतरों का दान जरूर कर दीजिएगा। कर्क राशि, क्रोध मत करना, गुस्सा करने से नुकसान होगा। वैसे ये दिन अच्छा है, उत्साह से अपना काम कीजिए ना, सब अच्छा होगा। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जप करें, ध्यानस्थ होकर फिर अपने काम पर जुटे। बस एक चीज का ध्यान रखें, अपनी कीमती चीज जरूरी कागजात इस दिन बहुत संभाल के रखना। सिंह राशि, जरा क्रोध पर कंट्रोल करके अपनी पूरी ऊर्जा को किसी रचनात्मक कार्य में लगा दीजिए। जो कार्य अभी तक अटके हुए हैं, आज उन्हें पूरा करने की जबरदस्त कोशिश कीजिए। लेकिन कोई व्यक्ति आपका नुकसान करने की कोशिश करेगा दोपहर बाद, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, अपने काम पर पकड़ बना के रखिएगा, सब ठीक होगा। एक छोटा सा उपाय कर लीजिए, अभी सूर्य को जल दीजिए फिर अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, मन बहुत चंचल हो रहा है आज, गुस्सा आ रहा है आज, मूड स्विंग्स हो रहे हैं आज, और उसकी वजह से वाद विवाद में उलझ सकते हैं। वाणी का सदुपयोग कीजिए। और एक छोटी सी बात और ध्यान रखना आज, कि आप अपनी कीमती चीज़ों को, अपने वाहन को, कैश को किसी को ना दें, और अगर देना भी पड़े तो अच्छे से सलाह मशवरा करके ही दीजिएगा। छोटा सा एक उपाय कर लीजिए, माता पिता के पांव छूकर आशीर्वाद लेकर उन्हें दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें देकर फिर अपना दिन शुरू कीजिएगा, तो वो सब ठीक करेंगे। और सुनो बच्चों, आप क्या करना, आपको एक बड़े ज़बरदस्त पराठे बनाना सिखाता हूँ, हाँ, और आप मम्मी लोग से कहना कि एक आपको खिलाएं, लेकिन रोज नहीं, हफ्ते 10 दिन में एक आध बार बस। ठीक, कैसे? गाजर कस लीजिए, ठीक, और मम्मी लोग सुनो, पूरे जाड़ों गाजर खूब खिलाइए बच्चों को, वो जिस तरीके से पसंद करे उस तरीके से खिलाइए उन्हें। इसमें विटामिन ए पहुंचता है, एक दिन गाजर के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल ये नोट कीजिए, गाजर आपने कस ली, उसमें थोड़ी सी अदरक कस लीजिए, ठीक, और उसमें ताज़ा मेथी मिला दीजिए, ताज़ा मेथी मिला दीजिए। लेकिन ये जितने भी पत्ते हैं, इन्हें कम से कम 5 मिनट गुनगुने जल में या पोटेशियम परमैंगनेट से धोने के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आजकल अजीब अजीब यूरिया या कीटनाशक इन पर छुड़के जाते हैं, उससे नुकसान हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपने कर ली, ठीक, उसमें आप थोड़ा सा अचार का वो वाला मसाला जिसमें सौंफ हो, बड़ी सौंफ, वो भी अंदर लगा दीजिए, और फिर दूसरी लेयर आटे की उसके ऊपर ढक दीजिए, उसको बेल लीजिए, फिर उस पर गाय के घी, ठीक, जो हमारी देसी गौ माता होती है उसका घी से वह पराठा बनाकर बच्चों को खिलाइए। जबान भी हरी और तबीयत भी चंगी। हेलो बच्चों, चलिए अब जानते हैं तुला राशि से मीन राशि तक का हाल। तुला राशि, यह दिन आपके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, बाकी तरक्की आदि के लिए बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों को इस दिन कुछ विशेष लाभ मिल सकता है, इसलिए जम के अपनी पढ़ाई करें। बस एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, इस दिन हल्दी और चावल का दान जरूर कर दें।
वृश्चिक राशि, धन के लिए ये दिन बहुत अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए भी ये दिन थोड़ा सा कमजोर है। सर्दी, नजला, खांसी, जुकाम, इन सब की वजह से आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन फिर भी तरक्की के लिए अच्छा है और शत्रु शांत होंगे। बस आप एक छोटा सा उपाय कर दीजिएगा, इस दिन दूध से बनी हुई कुछ चीजों को लोगों में बांट दीजिएगा, किसी में भी बांट सकते हैं। धनु राशि, वक्त आपके लिए अच्छा है, यह दिन पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है, साथ ही साथ यदि इस दिन आप किसी व्यक्ति विशेष से मिलते हैं तो भी आपको लाभ होगा। तो कुल मिला के आगे बढ़ने, तरक्की करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, इस दिन ब्रह्म बृहस्पतिय नमः का जप करें, फिर अपने काम पर जुट जाएं। मकर राशि, वक्त आपको सपोर्ट दे रहा है, भाग्य पक्ष बेहतर है, प्रमोशन के लिए आप इस दिन चाहें तो किसी से बात कर सकते हैं, तरक्की के लिए या कोई नई चीज खरीदने के लिए भी आप इस दिन कोई योजना बना सकते हैं। बस डरिएगा नहीं, वहम मत पालिएगा, शक निंदा से बचिएगा। एक छोटा सा उपाय कर लें, इस दिन उड़द की दाल का दान जरूर कर दीजिएगा, चाहे कच्ची हो चाहे पकी हुई हो। कुंभ राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, शत्रु शांत तो होंगे, आपकी मेहनत के अनुसार आपको फल की प्राप्ति भी होगी, आशाएं बंधेंगी, कुछ अच्छा कार्य हो सकता है, इसलिए खूब जम के अपने कार्य पर फोकस करें। बस एक छोटा सा उपाय करें, नमः शिवाय का जप करके फिर अपने काम को अंजाम दें। मीन राशि, आपके लिए ये दिन अच्छा है, खासतौर से जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अच्छा है, जो लिखने पढ़ने का काम करते हैं उन लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है, कलाकारों के लिए दिन अच्छा है, आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। गृहिणियाँ अपनी कमर का और पैरों का ख्याल विशेष रूप से रखें, बाकी सब ठीक होगा। एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, वो ये है, हल्दी का तिलक लगा लीजिए और 5 मिनट के लिए ध्यानस्थ होकर ओम नारायण नमो नमः का जप कर लीजिए, बस फिर सब ठीक करेंगे प्रभु जी। और अब उनकी बात, जिनका है जन्मदिन तो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं, कोई नया कार्य आप कर सकते हैं, लेकिन रिश्तों से आपको परेशानी होगी, इसलिए कोशिश करें नए रिश्ते ना जोड़ें। यदि आप जोड़ते हैं तो माता पिता की नॉलेज में रखें या उनकी पसंद से जोड़ें या उनकी सलाह उसमें अवश्य शामिल करें। वैसे धन के मामले में तो अच्छा वक्त है ही है, आप कोई नया कार्य करना चाहते हैं, बिजनेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो उस मामले में भी अच्छा वक्त है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इन 12 महीनों में किए गए काम में परिवर्तन अवश्य होगा, इसलिए सारी ऊर्जा, सारा धन, सारा वक्त एक काम में ना लगा दें। उपाय बता रहा हूँ, हर शनिवार को कुछ चॉकलेट या काला रसगुल्ला, ये सारी चीज़ें या उड़द, यह मजदूरों में सप्रेम बांटा करें। दूसरी चीज़, सूर्य उदय के बाद आपको सोना मना है। अब आप कह सकते हैं कि रात में लौट के आते हैं क्या करें, तो आप ऐसा कीजिए, सूर्योदय के समय थोड़ा सा उठ जाइए, टहल लीजिए और सूर्य को जल देकर उसके बाद सो जाइए। एक उपाय, चांदी का कड़ा दाहिनी कलाई में आज धारण कर दीजिए। प्रभु जी सब ठीक करेंगे, चिंता ना करें, ऑल द बेस्ट। चलते चलते एक खास बात, यदि सर्दियों में आपको श्वास लेने में दिक्कत हो तो देसी कपूर जो होता है वो अपने पास रखिए, ये बड़ा इफेक्टिव है। तो देसी कपूर को रुमाल में रखकर दिन में 5-6 बार अगर आप इस तरह से सूंघेंगे तो आपका दिमाग भी खुलेगा, तनाव भी कम होगा और श्वास भी अच्छा साथ देगी, ठीक है। तो प्रभु आपको खूब खुश रखें और ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ज़रूर इसका सेवन बच्चों को कराएं, और बच्चा पार्टी इसका सेवन ज़रूर करना। चलता हूँ, राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। ये है ABP News, आपको रखे आगे।